Hi friends, welcome back to GHK Right Diet by Dr. Teji Sarna, PhD in Nutrition from India. कोविड पेंडेमिक से तो सभी जूझ रहे हैं, बट उससे एक बड़ी महामारी है, वो है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। सोशल मीडिया पे बहुत गलत गलत मिथ्स जो आ गए हैं, जिसको लोग मानना शुरू कर चुके हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, दिस इज आई एम रीडिंग आउट द फैक्ट्स ऑफ कोविड 19 विच आर रिलीज बाय WHO एंड दे हैव करेक्टेड द कॉमन अनट्रू रूमर्स अबाउट कोविड 19। उनके हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे रिकवर कर रहे हैं। वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट हैं लेकिन माइल्ड है। पिछले साल जहां ये सिर्फ बुजुर्गों को हो रहा था, इस साल ये यंग लोगों को भी हो रहा है। तो यंग पीपल नीड टू बी वेरी केयरफुल। लहसुन खाने से ना इससे बचा जा सकता है, ना लहसुन इसका उपचार है। लाल मिर्ची खाने से या तीखा खाने से ना इससे बचा जा सकता है, ना ये उसका प्रिवेंशन है। आप कुछ भी करके कोविड वैक्सीन घर पे नहीं बना सकते हैं। अगर आप एक मास्क अच्छे से पहनेंगे तो ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उसमें से बहुत कम का ऑक्सीजन अंदर जाएगी या बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चल जाएगी। मास्क पहनने से इन दोनों चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्कोहल ना इसको प्रिवेंट कर सकता है, ना इसको क्योर कर सकता है। इन ब्लीच या डिसइंफेक्टेंट डेंजरस है, इनको कंज्यूम करने से भी आप कोविड 19 से बच नहीं सकते हैं। और ना ही मिथेनॉल या इथेनॉल, ये दोनों भी डेंजरस हैं। इन दोनों का सेवन करने से भी ना आप बच सकते हैं कोविड से, ना ये इसका इलाज है। सांस रोकना इज नॉट एट ऑल अ टेस्ट फॉर कोविड। एंटीबायोटिक्स इसको क्लियर नहीं कर सकती हैं। मिनरल्स और वाइटमिन्स जो हैं, वो सप्लीमेंट्स जो हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, बट वो क्योर नहीं करते हैं कोविड को। हॉट बाथ्स कैन नॉट प्रिवेंट इट। और गर्म और ठंडे, मतलब बहुत ठंडे मौसम में भी आप ये सोचें कि यहाँ कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। गर्मी और सर्दी से कोविड का इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। निमोनिया की वैक्सीन इसको ठीक नहीं कर सकती है। WHO का ये भी कहना है कि हैंड ड्रायर्स के नीचे हाथ रखने से आप इससे बच नहीं सकते हैं। रेगुलरली रिंसिंग योर नोज विद सलाइन, नमकीन पानी से नाक साफ करने से भी आप इससे बच नहीं सकते हैं। यूवी लैम्प शुड नॉट बी यूज टू प्रिवेंट इट और क्योर इट, क्योंकि कुछ भी नहीं है। मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज और आपके नॉर्मल पेट्स जो घर पे हैं, वो इसको स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। WHO की माने तो कोविड वायरस जो है, जो कोविड 19 है, वो एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। बाहर से अगर आप शूज़ लेकर आते हैं तो शूज़ से ये स्प्रेड नहीं होता है। जो थर्मल स्कैनर्स होते हैं उससे फीवर डिटेक्ट हो सकता है, बट कोविड 19 डिटेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। कोविड में जो नॉर्मल लक्षण होते हैं वो है लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, बट आप जानकार रहिए और लॉस ऑफ कॉमन सेंस ना होने दीजिए। तो कोविड से कैसे बचा जा सकता है? पॉसिबल हो तो वैक्सीन जरूर लीजिए, मास्क जरूर लगाइए, डबल मास्क लगाएंगे तो और भी अच्छा है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए और हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोप का इस्तेमाल कीजिए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Bye.